फाइनली दोस्तों Redmi का Note 10 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडिया की जो BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट है उसके अंदर दोस्तों Redmi Note 10 Pro का मॉडल नंबर स्पोर्ट किया गया है। इसका मतलब दोस्तों यह है आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। सोर्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि Redmi Note 10 Pro में आपको 2 वेरियंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक वेरियंट 4G होगा, वहीं एक वेरियंट आपको 5G के साथ देखने को मिलेगा। फ़ोन के अंदर दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि हाल ही में आपको MI 10i में देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, मेरे को ऐसा लगता है फ़ोन आपको 750 के साथ ना होकर के MediaTek का जो Dimensity 820 चिपसेट है उसके साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक तो ये नया चिपसेट है, ऊपर से Realme X7 में भी आपको सेम चिपसेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर Realme X7 से कॉम्पिटिट करना है तो Redmi को इसी चिपसेट के साथ Redmi Note 10 Pro को लॉन्च करना पड़ेगा। फ़ोन के दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं, जैसे फ़ोन के बैक में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फ़ोन आपको 6.7 इंच के एक फुल HD प्लस पैनल के साथ देखने को मिलेगा। फ़ोन में दोस्तों आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और दोस्तों अगर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो फ़ोन में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाली। एटलीस्ट दोस्तों Redmi के सीरीज़ में अब तो AMOLED डिस्प्ले देना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको इसमें IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। फ़ोन दोस्तों आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पर देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 12 पे आएगा। साथ ही साथ फ़ोन में आपको जो है 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज देखने को मिलेंगे। और आपको दोस्तों पता ही है जो प्रो सीरीज़ होती है Redmi की वो थोड़ी महंगी होती है, तो फ़ोन आपको दोस्तों 15,000 से ऊपर देखने को मिलेगा और 20,000 के अंदर ही देखने को मिल सकता है। तो फ़ोन में दोस्तों फिलहाल के लिए यही स्पेसिफिकेशन लीक हुई है, और दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या क्या नए नए स्पेसिफिकेशन के साथ ये लॉन्च होगा। जैसे ही दोस्तों ये लॉन्च होगा इसकी अनबॉक्सिंग आपको हमारे चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेगी। वहीं दोस्तों Redmi Note 10 की बात करें तो ये दोस्तों एक 4G वेरिएंट होने वाला है, जिसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलेगा, जो कि हाल ही में पोको X सीरीज के अंदर आपको देखने को मिला था। फ़ोन में आपको 6.5 इंच के एक फुल HD प्लस पैनल देखने को मिलेगा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही साथ फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों फ़ोन आपको MIUI 12 पे आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा। इसमें आपको दोस्तों 4GB रैम 64GB वेरिएंट, 6GB रैम 64GB वेरिएंट और 6GB रैम 128GB वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको पता है फ़ोन आपको मिड रेंज में देखने को मिलेगा, तो हो सकता है 10,000 से 15,000 के प्राइस पॉइंट में ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही स्पेसिफिकेशन लीक हुई थी, और जैसे जैसे और नई स्पेसिफिकेशन आएगी वो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। उसके लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और दोस्तों कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दे दूंगा। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।